मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को निवास कार्यालय से शहरी योजनाओं का वर्चुअल विस्तार किया। शहरी योजनाओं का विस्तार के तहत मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया। मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारम्भ भी किया। इसके शुभारम्भ होने से शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों स्व सहायता समूह को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं की जानकारियां भी ली। छत्तीसगढ़ जिसे धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, पर अब इसके साथ छत्तीसगढ़ की पहचान में जुड़ चुके हैं कई और नाम। विकसित छत्तीसगढ़ तो कोई कहता है समृद्ध संस्कृति का गाढ़ा, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छत्तीसगढ़ वाला। ये वो पहचान है जो बयां करती है छत्तीसगढ़ के तरक्की के सुनहरे सफर को। पिछले 5 सालों में खींची है विकास की एक ऐसी लकीर कि देश के सामने हम बन चुके हैं एक नजीर। आत्मनिर्भर बनाने के सफर में हमने बदली है गांव से लेकर शहर तक की तस्वीर। अब करने जा रहे हैं शहरी स्वरोजगार को दिशा देने का एक आगाज। प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में शहरी उद्यमिता एवं शहरी सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की होने जा रही है शुरुआत, जिससे शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार और उद्यमिता के जरिए अतिरिक्त आय के साधन होंगे उपलब्ध। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ पर शुरू की जा रहे इस अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क से शहरी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी जाएगी। योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 14 नगर निगमों एवं 44 नगर पालिका परिषदों में पार्क का संचालन किया जाएगा। 3 एकड़ भूमि में विकसित इस पार्क में युवाओं के स्वरोजगार स्टार्टअप गतिविधियों के लिए इच्छुक स्थानीय युवाओं स्व सहायता समूहों को छोटे छोटे स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें सेवा उद्योग को स्थापित और संचालित किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल पार्क में बनने वाले उत्पादों का सीमार्ट शबरी संजीवनी हर्बल बिलासा एवं निजी क्षेत्रों के माध्यम से भी विक्रय किया जा सकेगा। योजना के तहत आवश्यक पड़ने पर स्व सहायता समूह 0% ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए शासन द्वारा प्रति पार्क लगभग 2 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क में उद्यमी चयन के लिए स्थानीय युवाओं स्व सहायता समूह SHG को चिन्हांकित किया जाएगा। इसके लिए शहरी गौठान प्रबंधन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला क्रियान्वयन एवं स्वीकृति समिति द्वारा चयन किया जाएगा। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करने बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली पानी शेड शौचालय सहित अन्य जरूरी अधोसंरचनाएं नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सबक रहा है राज्य बढ़ रहा है विश्वास, हुनर और कौशल को मिला है अब सरकार का साथ। महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जो जन कल्याणकारी शासन की जो नीतियां हैं उसके तहत जैसे आपकी सोच है आजीविका स उद्यमिता उसके उसी को ध्यान में रखते हुए ये यूपा के अंतर्गत हम लोगों ने कल कुछ आवेदन आए थे जिसमें लगभग 10 लोगों को हमने चयनित भी कर लिया है। ये इसके लिए 3 एकड़ की जमीन आरक्षित की गई है जो कि नेशनल हाईवे से लगी हुई है। इस 10 जो चयनित उद्यमी है उसमें प्रमुख रूप से गोबर पेंट इकाई, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि यंत्र निर्माण, पूजा सामग्री और गारमेंट यूनिट, इसके साथ ही साथ कुछ और भी नए उद्यमी जो उद्योग के क्षेत्र में नए बेरोजगार युवा हैं उनका चयन किया गया है। अभी प्रथम उसमें 10 लोगों को चयनित किया गया है जो आपके निर्देश आपके आदेश के अनुसार इन लोगों को आगे जो भी शासन की योजना उसके अंतर्गत इनको दिया जाएगा। तभी ये जो आपने बताया सिलाई का, मिलेट्स का, पूजा सामग्री, इसके अलावा और क्या है योजना आपके पास या किस प्रकार से
लोग आ रहे हैं जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं? इसमें जो आवेदन आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें कुछ नूडल्स और इससे संबंधित और भी जो खाद्य सामग्री के जो हैं वो भी आए हैं, जो अभी हम लोगों ने द्वितीय क्रम में रखा है जिनको हम चयनित करेंगे। अभी जो 10 यूनिट जो फाइनल हुई है उसमें लगभग 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है सर।